सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपको लच्छेदार जो पराठे होते हैं, जिनके बहुत सारे वर्क बनते हैं, वो पराठे बनाना सिखा रही हूँ। और इसके इंशाल्लाह मैं आपको दो तरीके बताऊंगी आज, तो देखते हैं कि कैसे बनता है। मैंने सफेद आटा गूंदा हुआ लिया है। अगर आपने मेरी आटा गूंदने की वीडियो देखनी है तो उसका लिंक ऊपर चल रहा है। आटा लेने के बाद मैंने इसका ये पेड़ा बना लिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ, सरफेस मैंने नीचे की साफ कर ली है। अब हम इस सरफेस पे जो है मैं आपको बेल के दिखाती हूँ, फिर बताती हूँ कि कैसे इसके जो हम निकालेंगे परत बीच में से। हमें इसके लिए घी की जरूरत होगी। अब देसी घी इस्तेमाल करें तो बहुत ही अच्छा जायका आएगा। मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेल लेनी है, फैला लेनी है अच्छे तरीके से। मैं इसको हाथों पे फैला रही हूँ और ये देखें, अब मैं इसको नीचे फिर डाल दूंगी। ये मैंने रोटी बिल्कुल चौड़ी कर ली है, खुली कर ली है। अब हम इस पे अपना जो घी लगाएंगे, सारी जगह पे फैला लेना। उस पे आपने आटा जो है इस तरह स्प्रिंकल कर लेना, थोड़ा सा खुश्क आटा जो है या मैदा लेने वो स्प्रिंकल करें। मेरे पास सफेद आटा है तो इसलिए आपने मैदा लेना है। अगर आपके पास ब्राउन आटा है तो गंदम का प्योर आटा जो है आपने वो नहीं इस्तेमाल करना है। इसके लिए सफ़ेद आटा होता है, ऑल पर्पज़ फ्लावर है। क्या आप मैदा उसमें मिक्स करेंगे। उसके बाद आपने कट लगा लिया एक साइड पे। अब इसको मैंने घुमाना शुरू कर दिया, ये इसको टाइटली आपने ऐसे करते जाना। यही हमारे पर्क बनेंगे। इधर से फिक्र ना करें, आप ऊपर से इसको घुमाते जाएं, ऐसे ये खुद ही साथ चलता रहेगा। ये जो कोन बन रही है ये ऐसे तैयार हो गया है। इसको हमने पकड़ कैसे कर लेना, ये कोन के कोन वाला हिस्सा जो है इसको नीचे कर लेना। ये हमारा तैयार हो गया एक पेड़ा, ठीक है। ये हमारा पेड़ा तैयार है। अब हम दूसरी वाली जो है वो भी दूसरे पेड़े से दूसरा तरीके से भी रोटी बना लेते। मैंने इसी तरह दूसरा भी ले लिया, मैं इसको साइड पे रख देती हूँ। ये देखिए मैं दूसरा भी मैंने पेड़ा जो है वो फैला लिया। इसकी भी रोटी बना लेंगे हम, थोड़ा सा पीछे कर दें, घी ना गिर जाए। खुशका लगा लें। अब हम ऐसे घी लगाएंगे, फिर हम इसके ऊपर उसका थोड़ा सा जो मैदा है या हमारा व्हाइट आटा वो ऐसे कर देंगे। इस व्हाइट आटे से आपकी जो है परतें तैयार होंगी। अब आप इसमें ये देखें, इसमें आपने ऐसे आटे के जो हमने रोटी बनाई है इसमें ये लाइनें डालते जाने हैं आपने। ऐसे डाल देते हैं जरा, ये बन गया। हमने इसको ये देखें
एक साइड से रोल करते जाना है। ये पहले हम साइडें करेंगे रोल अच्छी तरह। ये देखिए रोल होती जा रही है, इस तरह इवनली आपको पता चल जाएगा। ये टाइटली रोल करना है ताकि यही आपकी जो है बाद में परते नजर आनी है, बीच में जो पर्दे उनके बनेंगे लच्छे बनेंगे यही नजर आएंगे। देखिए अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे और उसके बाद पकाएंगे ताकि इसकी जो परतें हैं मुकम्मल तौर पे जैसे हैं वैसे ही रहें, वरना फिर ये जो आप बेलेंगे तो इसकी परतें मध्यम हो जाएंगी, वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रहेंगी। ये देखिए मैं फ्रिज से निकाल लाई हूँ, अब हम इस मैं आपको बताऊँगी इसको पका के रोटी बना के इसको आपने हाथ से ही कोशिश करना है, बेलन से ऊपर से नहीं बेलना, कोशिश करना है हाथ से करें, वरना इसकी जो लच्छे जो बना रहे हैं हम लोग ये लच्छे इसके जो है वो बीच में ही बिल्कुल नजर नहीं आएंगे, वैसे बिल्कुल जैसे बीच में मध्यम हो जाते हैं ना वैसे हो जाएंगे। ये आपने इसको मीडियम जो सेक पे रोटी तैयार करनी है, वरना पराठा जलने का खतरा हो सकता है। ये अभी इसको सेक कम लगा क्योंकि मैंने इसकी आग मीडियम की हुई है। ये देखेंगे हमारा लच्छेदार पराठा तैयार है, इसके लच्छे देखें आप। ये पराठा जो है ये मैंने जरा सा बारीक रखा है, आप हैवी रखेंगे तो उसकी अच्छी ज्यादा अच्छी लुक आएगी। मेरे बच्चे जो है वो पसंद नहीं करते बहुत हैवी पराठा, तो ये देखें इसके कितने अच्छी इसके परते आए हैं। ये देखें आप ट्राई करें मुझे बताएं आपको कैसे लगे। दोनों पराठे ऐसे ही बने हैं, हमने दो मुख्तलिफ तरीकों से आपको बनाने सिखाए हैं। अभी मैं इंशाल्लाह आपको और भी तरीकों से बनाना सिखाऊंगी, जल्दी मेरी वीडियो देखिएगा जिसमें मैं और डिफरेंट तरीके भी आपको बताऊंगी पराठे लच्छेदार पराठे बनाने के। आप प्लीज जरूर ट्राई करें मुझे बताएं आपको कैसे लगे। अगर आप थोड़े से वजनी रखेंगे तो इसके लच्छे ज्यादा उभर के सामने आएंगे। मैंने बच्चों के लिए बनाए हैं तो वो बारीक थोड़े पतले खाते हैं। आप ट्राई करके मुझे कमेंट्स में लिखिएगा आपको कैसे लगे। देसी घी के बने तो जबरदस्त बनेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में मेरी वीडियोस को शेयर करें और प्लीज लाइक करें। अपना ध्यान रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।